ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जानेंगे इस वीडियो में पिथोरी अमावस्या 2021 के बारे में, जिसे कुशा ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। 7 सितंबर को कुश ग्रहणी अमावस्या है, तो जानते हैं क्या है पूजा का अनुष्ठान का नियम और कुश धारण करने का महत्व, यानी कि कुशा धारण करेंगे तो क्या फायदा होता है। भाद्रपद महीने की अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या और पिथोरी अमावस्या कहा जाता है, जो कि कल है। जी हाँ, कल ही 7 सितंबर है और मंगलवार का दिन है, तो कल के दिन ही, और अगर आप आज देख रहे हैं तो आज यानी कि 7 सितंबर दिन मंगलवार को कुश ग्रहणी अमावस्या है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत और अन्य पूजन कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं, इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। धार्मिक दृष्टि से इस अमावस्या को कुश ग्रहण करने और पूजा में कुश के प्रयोग का विशेष महत्व के रूप में बताया गया है। यानी कि आप आज जो कुशा ग्रहण करेंगे अमावस्या के दिन, वो पूरे साल पूजा में इस्तेमाल कर सकेंगे। खास करके आप सभी जानते हैं तर्पण कार्य बिना कुशा के नहीं होता है। क्यों कहते हैं कुश ग्रहणी अमावस्या इसको? तो इस दिन वर्ष भर पूजा अनुष्ठान या श्राद्ध करने के लिए नदी मैदानों इत्यादि जगहों से कुशा नामक घास उखाड़ करके घर लाया जाता है। धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली ये घास यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो यह वर्ष भर तक पुण्य फलदायी होता है। बिना कुशा घास के कोई भी धार्मिक पूजा निष्फल मानी जाती है, इसीलिए कुशा घास का उपयोग हिंदू पूजा पद्धति में प्रमुखता से किया जाता है। आप सभी जानते होंगे, खास करके इसकी पवित्री बनाई जाती है। इस दिन तोड़ी गई कोई भी कुशा वर्ष भर तक पवित्र मानी जाती है। अत्यंत पवित्र होने के कारण इसका नाम जो है पवित्री रखा गया है। जी हाँ, इसीलिए इसे पवित्री कहा जाता है। तो क्यों करते हैं हम सभी इसका प्रयोग? वेदों और पुराणों में कुश घास को पवित्र माना गया है। इसे कुशा दर्भ या फिर डाभ भी कहते हैं। आमतौर पर सभी धार्मिक कार्यों में कुश से बना हुआ आसन बिछाया जाता है या कुश से बनी हुई पवित्री को अनामिका अंगुली में धारण किया जाता है। अथर्ववेद, मत्स्य पुराण और महाभारत में इसका महत्व बताया गया है। माना जाता है कि पूजा पाठ और ध्यान के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। कुश के आसन पर बैठकर के पूजा पाठ और ध्यान किया जाए तो शरीर में संचित ऊर्जा जमीन में नहीं जा पाती है। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में कुश की अंगूठी इसलिए पहनते हैं ताकि आध्यात्मिक शक्ति पुंज दूसरी उंगलियों में न जाए। रिंग फिंगर यानी कि अनामिका के नीचे सूर्य का स्थान होने के कारण यह सूर्य की उंगली होती है। सूर्य से हमें जीवनी शक्ति, तेज और यश मिलता है। दूसरा कारण इस ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकना भी होता है। पूजा पाठ के दौरान यदि भूल से हाथ जमीन पर लग जाए तो बीच में कुश आ जाएगी और ऊर्जा की रक्षा हो जाएगी। इसीलिए कुश की अंगूठी बना करके हाथ में पहनी जाती है पूजा के समय पर। कुशा क्यों है इतनी पवित्र? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो मत्स्य पुराण के एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर लगे पानी को झाड़ा, तब उनके शरीर से बाल पृथ्वी पर गिर गए और कुशा के रूप में बदल गए। इसके बाद कुशा को पवित्र माना जाने लगा। एक अन्य पौराणिक कथा मिलती है, उसके अनुसार जब सीता जी पृथ्वी में समाई थीं तो श्री राम जी ने जल्दी से दौड़ करके उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर उनके हाथ में केवल सीता जी के केश ही आ पाए। यह केश राशि ही कुशा के रूप में परिणित तो हो गई और प्रतीक मानी जाने लगी। कुशा घास को तोड़ने का नियम होता है। क्या नियम है? तो कुशा को निकालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको किसी भी औजार से न काटा जाए, इसे केवल हाथों से ही निकाला जाना चाहिए। यानी कि आप कोई औजार का इस्तेमाल मत कीजिएगा, जैसे कि खोदने के लिए लोहे वगैरह का, और कुशा घास खंडित भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या कीजिएगा, घास का अगला भाग टूटा हुआ मत रखिएगा। कुशा एकत्रित करने के लिए सूर्यदेव का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दाहिने हाथ से एक बार में ही कुशा को निकालिएगा। तो कैसे निकालिएगा? आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि लकड़ी से उसके आसपास की मिट्टी को
थोड़ी सी आप सॉफ्ट कर सकते हैं और एक बार में निकाल लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कुशा को अगर आप लोहे कील वगैरह से निकालते हैं तो वो फलदायी नहीं मानी जाती है। तो कुशा बहुत ही अच्छी होती है और आज का दिन बहुत अच्छा है, यानी कि कुशा को निकालने के लिए बहुत अच्छा है। अमावस्या का दिन 7 तारीख का, ये इसीलिए कुशा ग्रहणी, इसे अमावस्या भी कहा जाता है, कुश ग्रहणी अमावस्या इसकी पवित्री बनाई जाती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहा होगा। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।